अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बहराइच के बलहा में भी उपचुनाव की धमक देखने को मिल रही है। सियासी दलों की धमाचौकड़ी ने यहां सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी और सपा बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीएसपी ने जीतने के लिए जाल तो बिछाया है, लेकिन समीकरण इशारा कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2017 में यहां का हाल क्या था और मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं। बहराइच जिले की विधानसभा संख्या 282 है बलहा। साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 290,660 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 160,159 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 130,501 है। 2017 में मतदाताओं के आंकड़ों में इजाफा हुआ था। बीजेपी विधायक अक्षय वरलाल गौड़ सांसद बन गए हैं। बलहा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2017 में बीजेपी कैंडिडेट अक्षय वरलाल गौड़ को 104,135 वोट मिले थे। यहां से बीएसपी उम्मीदवार किरण भारती दूसरे नंबर पर थी। 2017 में बीएसपी को 57,519 वोट मिले थे। 2017 में तीसरे नंबर पर सपा के उम्मीदवार वंशीधर बौद्ध थे। वंशीधर बौद्ध को 29,349 वोट मिले थे। उपचुनाव में भी जंग सपा और बीजेपी में देखने को मिलेगी। बीएसपी 2017 में भले ही दो नंबर पर थी, लेकिन अब पीछे है। सपा के साथ लोकसभा चुनाव में दगा ने बीएसपी की छवि खराब कर दी है। सपा उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी तो मजबूत है ही, सपा भी बीजेपी से आगे है। सपा को लेकर लोगों का नरम रुख दिखाई दे रहा है। चिन्मय आनंद और कुलदीप सेंगर के बाद बीजेपी की छवि पर भी असर हुआ है। बलहा में सपा की जीत के समीकरण साफ हैं, लेकिन बीजेपी हार मानने वाली नहीं है। 2017 में जिस बीजेपी को जीत मिली थी, वो अब उपचुनाव में बलहा में कमजोर दिख रही है। बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन सपा के साथ लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने जो किया, उससे बीएसपी की साख को भी बट्टा लगा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ मतदाताओं का रुख दिख रहा है, लेकिन बीजेपी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। ऐसे में अब जनता का फैसला जानने के लिए हर कोई बेताब है और हर किसी को इंतजार है मतगणना का, जिसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।